गया था, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस साइड में जो होता है वो इस साइड से टूट गया था, तो ये खुलने लग गया था। तो मैंने सोचा कि इसका एक वीडियो बन क्यों नहीं बना लिया जाए, इसको खोल करके देख लिया जाए कि इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है। तो दोस्तों, तो इसे हम खोलने के लिए सबसे पहले हमें पीछे के सारे स्क्रू निकालने पड़ेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। सारे स्क्रू निकालने के बाद में ये जो साइड है उसको आप मतलब जो स्क्रू ड्राइवर होता है माइनस वाला उसके अंदर डाल के इसका प्रेशर लगा और फिर इसको खोले, क्योंकि ये तो मेरे से गिर गया था इसलिए आराम से खुल जाएगा, इसके आप देख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये स्टेटर है, ये एल्यूमिनियम का बना है, इसके अंदर कोई मैग्नेट नहीं है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली जो जगह है इसके अंदर, ये जब जैसे कि आप देख सकते हैं गोल वाली जो जगह है इसके अंदर, ये वाली इसके अंदर बेयरिंग आती है, इसके अंदर जो ये जो है ना इसके अंदर इसके ना बेयरिंग आती है जो कि शाफ्ट को स्टेबल रखती है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है उससे रिड्यूस कर देती है, ठीक है। उसके आप देखते हैं इस अपने मेन इनक्लोजर की तरफ से, और जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे बेयरिंग आती है सबसे ऊपर, ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट यहाँ से नीचे की साइड जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आई है शाफ्ट, और ये इस एल्यूमिनियम केस के द्वारा बाहर निकल जाती है, और ये जो बेयरिंग है वो इसके अंदर फिट होता है, ये वाला जो बेयरिंग है जैसे कि आप देख सकते हैं, और काफ़ी फ्री बेयरिंग है। तो और जैसे कि आप देख सकते हैं इस साइड के अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारी टाइप की कॉइल्स दिखेगी, तो इसके अंदर कुछ कॉइल्स जो है जैसे कि आप देख सकते हैं, सपोज करें कि ये वाली कॉइल से नॉर्थ 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 ब्राउन वाली जो है नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, और ये जो रेड वाली है वो है साउथ साउथ साउथ, ठीक है देख सकते हैं। वैसा भी हम इसको चलाएंगे ऐसे खोल करके, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सी नॉर्थ है कौन सी साउथ है। तो दोस्तों अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ सपोज करने के लिए कह रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो ब्राउन वाली नॉर्थ 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 और ये रेड वाली जो है वो साउथ साउथ साउथ, और जैसे कि आप देख सकते हैं इस साइड के अंदर ये अंदर के साइड में एक ये वाला स्टेटर है, पूरा पूरा स्टेटर है और ये पूरा पूरा एल्यूमिनियम से बना हुआ है। तो अभी मैं इसे हटा के देखते हैं, इसको खोल के देखते हैं, ये बड़ा टाइट है क्योंकि इसके अंदर मैग्नेट्स लगे हुए हैं, थोड़ा टाइट ऐसे भी निकाल लेते हैं। हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ परमानेंट मैग्नेट लगे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ परमानेंट मैग्नेट्स लगे हुए हैं इसके अंदर, ये प्लास्टिक का है, इसके अंदर कुछ परमानेंट मैग्नेट्स लगे हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं इस साइड के अंदर। इसके अंदर फोकस सही से नहीं आ रहा है क्योंकि अपने कैमरा से बना रहा हूँ मैं, तो इस साइड के अंदर कुछ मैग्नेट्स लगे हुए आपको चिपका के दिखाता हूँ कुछ, जैसे कि मेरे पास स्क्रू ड्राइवर है जी देख सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ नॉर्थ है तो कुछ साउथ है ना। तो अभी मैं आपको एक मैग्नेट निकालता हूँ, उसके बाद देखते हैं इसके अंदर, मेरे पास एक मैग्नेट पड़ा हुआ है, एक मिनट रुकिए, मैग्नेट से पता चल जाएगा कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, और इसका अपोजिट जो है वो भी पता चल जाएगा कौन सा अपोजिट है इसके अंदर। मेरे पास में इसके लायक कुछ मैग्नेट्स पड़े हैं, एक मिनट बस। ओके दोस्त, इसके देख सकते हैं मेरे पास एक मैग्नेट है साइड में। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ एक मैग्नेट है। तो जैसे मैं स्टेटर को बाहर निकालता हूँ, इसके आप देख सकते हैं इस साइड में चिपक गया है, तो मेरे ख्याल नहीं ये दोनों सेम है, मतलब तो अगर ये नॉर्थ है तो नीचे वाला भी नॉर्थ ही है, इसके देख सकते हैं क्योंकि ये इसको वो नहीं कर रहा, रिपेल नहीं कर रहा, ये देख सकते हैं पूरा का पूरा नॉर्थ है। अगर मैं इसके अंदर घुमाऊँ इसको तो ये भी पूरा पूरा नॉर्थ ही है। आप देख सकते हैं इसके अंदर एक और बैरिंग लगी हुई नीचे के साइड के अंदर, जो कि ये भी फ्रिक्शनल फोर्स रिड्यूस करती है, जैसे कि आप देख सकते हैं बीच के ना पूरा का पूरा यहाँ पे दो बैरिंग्स लगी हुई है, एक तो बॉटम साइड के अंदर जैसे आप देख सकते हैं इस वाले बॉटम साइड के अंदर एक में यहाँ पे बैरिंग लगता है, और एक ये जो एल्यूमिनियम केस के जो टॉप पर है एक यहाँ पे बैरिंग लगता है, और इसके बीच के अंदर दोनों साइड में शाफ्ट निकलती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस साइड में मैग्नेट्स है, अंदर के साइड में भी कहते हैं नहीं ये मैग्नेट्स नहीं है, जब इसको पावर सप्लाई मिलती है तब जाके चार्ज होता है और उसको सिग्नल देना पड़ता है, हम इसको सिग्नल देंगे आज और चलाएंगे इससे। जैसे देख सकते हैं एड फ्रूट मोटर शील्ड है, इससे हम इसको चलाएंगे है ना, और हमारे पास एक और है स्टेपर मोटर ड्राइवर है, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर जो वायरिंग है थोड़ी झंझट वाली है, इसके अंदर एकदम बेसिक वायरिंग होती है एड फ्रूट के अंदर, तो आप एड फ्रूट ज़्यादा यूज़ करें तो सही है अगर स्टेपर मोटर की टेस्टिंग करनी हो तो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसको अंदर डाल करके एड फ्रूट के सारे कनेक्शन ले लेता हूँ, और अगर आपको कनेक्शन देखने तो मैं आपको यूट्यूब मतलब
हमारे वीडियो के लिंक के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जो कि मेरे ही चैनल का वीडियो है हाउ टू कंट्रोल स्टेपर मोटर, उसके नाम जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले उसके कनेक्शन दे देता हूँ, और कनेक्शन की बात आई है तो मैं देख लेता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं आपके कितने पिन हैं, 1 2 3 4 5 6 पिन है, 6 में से हमारे 2 पिन कोई काम के नहीं है, 2 पिन सेम है। और जैसे आप देख सकते हैं लास्ट वाला कोना, कोने वाली पिन ये वाली, उसके बाद एक छोड़ के अगली पिन, उसके बाद फिर जस्ट की बगल वाली, उसके एक छोड़ के अगली पिन। इसके अंदर ये कुछ इन कॉइल्स को कंट्रोल करने के काम आ रही है। जैसे आप देख सकते हैं सबसे पहली वाली है A1, उसके बाद एक छोड़ के A1, और उसके बाद एक छोड़ के B1, उसके बाद A2, उसके बाद एक छोड़ के B2, मतलब ऐसे करके गैप है बीच के अंदर, मतलब पहले A1 फिर B1 फिर A2 फिर B2, ऐसे करके है, क्या देख सकते हैं। और नीचे के साइड में सर्किटरी है जो कि सारे कनेक्शन, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ वापस, इसमें जितने भी कॉइल्स है वो एक सर्किट बोर्ड से जा करके कनेक्ट हो रही है, जो सर्किट बोर्ड, एक मिनट दोस्तों थोड़ा टाइट है आपको पता है, खोल के दिखाया था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स है तो इसके अंदर तो नहीं दिख पा रहा है, सॉरी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस साइड के ना ये जो है, तो इस साइड के ना एक सर्किट लगा हुआ है जिसके अंदर जितनी भी कॉइल्स है सारी की सारी अटैच हो रखी है। ये जो कॉइल्स है, पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, ये वाली जो कॉइल्स है वो एक दूसरे से अटैच्ड है, ये वाली इससे वाइंड है, वाली फिर इससे, इससे, इससे। जो कोनों में देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टिक्स लगे हुए हैं उसके कोनों में भी कॉइल्स है, यहाँ पे एकदम कोनों के ना, जो कि एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है, और जो सारे कनेक्ट होकर के इससे लग रहे हैं। और अभी हम स्टेपर मोटर के आपको एक आध टाइप भी बताएंगे, कौन कौन से टाइप के स्टेपर मोटर्स होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं इसको अंदर डाल देता हूँ और इसके सारे कनेक्शन करके आपको चला के दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको अपनी एड फ्रूट शील्ड से, यानी मोटर शील्ड से, अपने स्टेपर मोटर को कनेक्शन दे दिया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था ये नीचे गिरा था, इसके कारण से इसको डैमेज हुआ था, तो डैमेज होने के कारण से इसके स्ट्रक्चर में भी थोड़ा सा इफेक्ट आ गया, इस कारण से रिवॉल्व नहीं हो पा रहा। तो मैंने इसको 12 वोल्ट इनपुट उससे दिया, DC मतलब एडाप्टर से दिया, उसके बाद अभी मैं USB और फिट करता हूँ। देख सकते हैं आपको मोटर की आवाज़ आ रही होगी, देख सकते हैं हिलने की कोशिश कर रहा है ये, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया इस कारण से, गिरने के कारण से। जैसे मैं हल्का सा टच करता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं रेगुलेट तो हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं बस का इतना स्ट्रक्चर है। तो मैं कोई बात बता दूँ कि किस तरीके से वर्क करता है, कोई दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जब इसके अंदर, एक मिनट दोस्तों कैमरा फिट कर सही कर दूँ, ओके। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब इसके अंदर कोई किसी मतलब इसकी जो पावर सप्लाई मिलती है, तो पावर सप्लाई मिलने के कारण से इसके अंदर नॉर्थ साउथ जो बन जाता है, जब आप इसको ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद में आप मैग्नेट चिपका के देखना, उसी पोल को फिर आप इसमें चिपकाओगे तो रिवॉल्व कर रिपेयर कर जाएगा। रिपेयर करने के बाद अगर उसको रोटेट करके लगाएंगे तो फिर इसके चिपक जाएंगे। इन मीन ये वाला जो है इसके मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब अगर ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, अगर ये नॉर्थ है तो ये वाला साउथ है, और ये वाला भी साउथ है, ये वाला साउथ है तो ये वाला साउथ है, और साउथ नॉर्थ होने के कारण से जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर ब्रिसल्स है कोने के अंदर भी, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ और मैं ढंग से। तो जहाँ पे रोटेटर रोटेट कर रहा है और जो स्टेटर है, दोनों के अंदर टाइप की दोनों के अंदर टीथ है। तो जैसे मैं इसको निकाल के दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इसके अंदर भी तीत है साइड में, तो वो जो तीत है वो इस वाली जो तीत है इनसे मतलब अटैच रहता है, और ये जो एक मैग्नेट है नॉर्थ है, दूसरा साउथ है, एक मैग्नेट नॉर्थ है तो दूसरा साउथ है, ठीक है। तो अब मैं इसको जैसे इसके अंदर डालूंगा, डालने के बाद में जैसे ये देख सकते हैं फिट हो चुका है, क्योंकि इसके थोड़ी देर पहले अपन इसको चलाया था तो इसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स तो है, तो इसलिए थोड़ा बहुत ही फोर्स तो लगाया, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर नहीं आ पा रहा है। तो अब मैं जैसे इसे ऊपर वापस चालू करता हूँ तो वैसे बिहेव करेगा, जैसे आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, अगर आप एकदम करेक्ट मोटर को चलाते हैं, यानी जो कि सही हो, तो वो एकदम परफेक्टली काम करेगी। अगर आप एकदम परफेक्ट मोटर को चलाते हैं तो एकदम परफेक्टली काम करेगी ये मोटर। तो ठीक है दोस्तों, अभी आपको बताता हूँ स्टेपर मोटर किन किन टाइप की आती है। तो दोस्तों जिन दो टाइप की मैं बात कर रहा था, वो दो टाइप होते हैं, एक तो परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके लिए जो मैग्नेट्स है परमानेंट मैग्नेट्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर है, और दूसरी होती है वेरिएबल लैक्सेंसी स्टेपर मोटर, शायद मैं बीच के प्रोनाउंसिएशन गलत बोल रहा हूँ, रिलैक्स
टेंसी स्टेपर मोटर होती है। इसके क्या होता है कि इसके ना एक प्लेन आयरन रॉड होती है जो कि बेस होती है, एक प्रिंसिपल पे बेस होती है, जिसके क्या होता है मिनिमम गैप के अंदर वो रोटेट करती है, कुछ इस टाइप का है। और जहाँ से मैंने ये चीज़ ढूंढी है, मतलब तीन टाइप की होती है वैसे तो, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर है ना, हाइब्रिड सैनक्रोनोसिस स्टेपर मोटर, और तीसरी आपको पता ही है वेरिएबल रिलैक्सटेंसी स्टेपर मोटर। ये तीन टाइप की होती है, इनमें से एक जो हाइब्रिड वाली है उसके बारे में डिटेल नहीं दे रखी है, लेकिन ये दो टाइप के बारे में मैंने आपको बता दिया किस टाइप से होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आज हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दीजिए लाइक, कमेंट कीजिए आपको किस टाइप की वीडियो पसंद है, और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जहाँ से मैंने इस चीज़ के बारे में डिटेल ली है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इस वेबसाइट की भी लिंक आपको भेज दूंगा, और जो स्टेपर मोटर जितनी तीनों टाइप की स्टेपर मोटर की डेटा शीट भी आपको नीचे अवेलेबल मैं कर दूंगा। तो ओके दोस्तों आज के